ठीक है। तो ये है अपना टाइम गाय का, और फिजिक्स का लेक्चर अपन ने अभी भी लिया है, उसका रिवीजन अपन को करना है ना। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर अंदर पूरी पीडीएफ को सबमिट कर देते हैं अपन, सबमिट लेते हैं। देखो आज का लेक्चर काफ़ी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर था मिला के, है ना। काफ़ी टाइम लगा हर एक स्लाइड को समझने में, और हर एक स्लाइड समझने वाली है, हर एक स्लाइड पर क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, उनको समझने वाले हैं। मोटा मोटी अगर देखें अपन तो पोटेंशियल के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके पहले का जो लेक्चर था वो भी एनर्जी के बारे में ही था, बस उसमें बेसिक बात करी थी, इसमें थोड़ा और एडवांस वाली बात करी है ना, और वर्क के बारे में बात करी है। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते इसकी एक भी लाइन, एक भी स्लाइड को। ठीक है, चलो इसमें क्या बताया सर ने, क्वेश्चन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे करवाया, पहले होमवर्क करवाया फर्स्ट सारा, फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर बताया और अर्थिंग नहीं बताई आज के लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद क्या था, हाँ जैसे कि सवाल था, इसमें बोला गया था कि यहाँ से आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई चार्ज लेकर आना है और उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो पोटेंशियल तो सेम ही होगा, डिस्टेंस, हाँ पोटेंशियल स्केलर होता है, स्केलर का बहुत भर के यूज़ करा है यहाँ पर, बहुत ही मतलब स्केलर भी इतना खतरनाक हो सकता है, इतना डेंजरस वो यहीं देखने को मिलता है पोटेंशियल एनर्जी में भाई साहब, है ना। तो जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ, तो स्केलर है इसलिए वो सेम ही है क्वांटिटी, इसलिए वो उसको नहीं कंसीडर करेंगे अपन, सिर्फ ग्रेविटेशन वाले को लेंगे। और डिस्टेंस यहाँ पे 2R ट्रेवल करते तो MGR हो जाएगा, 2MGR, है ना, सिंपल था। फिर इसमें भी देखा गया था दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच में जो एनर्जी है उसको अपन को मतलब, ठीक है दो प्रोटॉन को अपन ट्रेवल कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, तो कितना अपन को अपन को फाइंड करना था प्रोटॉन चार्ज एट अ डिस्टेंस 2R फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2R डिस्टेंस, ओरिजिन अपने पास यहाँ से, ऐसे 2R डिस्टेंस पर वेलोसिटी फाइंड करनी थी। अच्छा हाँ, स्पीड फाइंड करनी थी सच में, हाँ। और फिर एक बात, तो और एक बात करना वेरी लाइट डिस्टेंस पे, तो वही सी ओ एम ही लगानी है, सी ओ एम ही मतलब खतरनाक चीज़ आ रही तुम तो, है ना। और काफ़ी सारे चैप्टर्स में लगती है, मतलब ऐसा नहीं बहुत आती नहीं है किसी को या फिर, लेकिन दिक्कत है साइंस में गलती हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, उसमें गलती हो सकती है, कुछ नहीं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, देखो जब कम डिस्टेंस पे लगा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अकेली, पोटेंशियल एनर्जी अकेली थी सिंपल, पहले काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, बाद में दोनों, अब बाद में कम डिस्टेंस है ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, है ना, और वो अपन सॉल्व कर लेंगे, ऐसे तो आ जाता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं आती, बस यहाँ ध्यान क्या रखना, ये डिस्टेंस का और चार्जेस का ध्यान रखना। अच्छा, जब ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो शुरू में, अच्छा जब ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ये है लार्ज डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर क्या होगा, सीधा वेलोसिटी ऐसा लग दी ना डायरेक्टली को, तो मतलब स्पीड में करा, बहुत स्पीड में लेक्चर सॉल्व करा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बेसिक से नहीं, उसे किसी को नहीं आया तो बहुत नहीं आया लेक्चर समझ लो, है ना, लेकिन ठीक है अच्छा है, ऐसा डबल हो जाएगा सिंपल सा, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये वाला टाइम नहीं है वहाँ पर, तो आधा नहीं होगा, यही रहेगा सिंपल, तो 2 रहेगा मतलब कुल मिला के, है ना, ऐसा है सिंपल, ऐसा लिखना है इसको। फिर आ जाओ कहाँ, इस वाले सवाल में क्या था, ये चार चार्जेस थे है ना, इनकी बताया ना था कि अलग से कोई चार्ज ला रहे हैं अपन, तो उसके सेंटर पे ला रहे हैं, वहाँ पर कितना काम करना पड़ेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका तो पोटेंशियल वैसा का वैसा रहेगा, उसको तो अपन लेंगे नहीं डिफरेंस में, डिफरेंस लेना है तो वो तो वैसे माइनस हो जाएगी, अब उनको सिर्फ इसकी पोटेंशियल बतानी नहीं, बस खत्म, अगर चार्ज रख दें यहाँ पर तो फाइनल बता देंगे खत्म, तो फाइनल बता देंगे तो क्या हो जाएगा, चार चार्जेस की वजह से जो हो रहेगी वो तो कैंसिल हो ही जाती है। हाँ अच्छा, एक बात बताना यहाँ पर, एक बात बता सुनो, पूछा है वर्क डन अरेंजमेंट द 4 पार्टिकल्स इन द चार्ज क्यू एट लाइक 4 चार्जेस द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ई। ठीक है, ईच हैविंग चार्ज क्यू सच दैट द पार्टिकल अराइव एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें 4 चार्जेस को अपन को लेकर आना है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी बन जाएगी, है ना। अब नहीं खाल लगो काय खाने में इसका, हाँ ये 4 चार्जेस शुरू में बिल्कुल नहीं थी, शुरू में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, अब ऐसा अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या करा, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है मतलब शुरू में कुछ अरेंजमेंट नहीं था, ऐसा अरेंजमेंट बना था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आंसर हो जाएगी। अभी 4 चार्जेस की वजह से 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए आर, और इन दोनों इन चारों चार्जेस की वजह से इस डिस्टेंस पर, सॉरी इन दोनों डिस्टेंसेस का, हो भाई साहब ज़्यादा कैसे, फिर से देखने, ये चारों चार्जेस हैं पहले नहीं थे 0 थी, अब आए हैं, तो इन चारों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर आएगी, और बाद में इन दोनों की और इन दोनों की आपस में दो साइड इसके बनेंगे तो √2 के की यूज़ करवाए आ रहेगी, तो इन दोनों का ये वाला आंसर हो जाएगा, देखते से आ गया था ऐसा, तो चलो ये ज़्यादा टीचर भी जुड़ गई।
फाइंड द, इसमें क्या बोलेगा, फाइंड द, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्रिंगिंग एंड फाइंड टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. ओके, अब पहले से इतना, पहले से था और बाद में सेंटर पे लाना था, तो पहले से जो है ये वाला सवाल बताया जा रहा था, तो पहले जो है वो तो रहेगा, मान उसको जी मान लो, मान लो बाद में वो एक्स तो आ नहीं, तो तुम कैसे हो जाएंगे. हाँ, तो नया क्या आएगा, नया वो आएगा जो यहाँ सेंटर पे आया, सेंटर पे इसका डिस्टेंस का डिस्टेंस का डिस्टेंस सब सेम, चार साइड बन जाएंगे ऐसे, तो फोर के क्यू रूट टू बाई टू खत्म, यह जाएगा. ठीक, कुछ जल्दी कर लिया, हाँ लेकिन ऐसे जल्दी करना पड़ेगा, 10 मिनट पूरी वीडियो रिवाइज करनी. हाँ फिर क्या है इसमें, टू इलेक्ट्रिक वो मूविंग, ओके ओके, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक दूसरी तरफ जा रहे हैं है ना, और बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. ओ इसमें तो देखो कोई बात नहीं, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी है ना. दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की दो काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी टर्म, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो एक ही होगी दोनों की, तो ये करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, कर देना मतलब वैल्यू रखनी पड़ेगी. ठीक है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल था. इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें बोला कि द वर्क डन टेकिंग इतना चार्जेस को ए से बी वाया सी इन द डायग्राम. अच्छा तो उससे क्या होता, कहीं से लिखे जाओ, इनिशियल फाइनल देखनी है, अपन बोलते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम निकालेंगे और इनिशियल से माइनस कर देंगे, तो क्यू जो है अपने पास जो चार्ज दिया है वो, और चेंज इन पोटेंशियल कितना वो रखना था. सिंपल सवाल देखने में, सॉल्यूशन देखने में आसान लग रहा है, पर सवाल देखने में ऐसे हो जाती है. तो ये जो दिख रहा है ना सॉल्यूशन का, ये वर्क पोटेंशियल चार्ज क्वेश्चन में नहीं आता, जब चार्ज दिया है और ए से बी जाना है सी के थ्रू, कुछ पता नहीं पड़ता क्या करना क्या नहीं करना, अभी नहीं पता पड़ता, पड़ा था मुझे नहीं दिया आगे सोई गया था, तो ठीक कोई बात नहीं. लेकिन ये फाइनल वाला पोटेंशियल है जी, इनिशियल वाला पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर दिया आपने है ना, क्यों सेम रहेंगे डिस्टेंस अकेला फाइनल वाला, और यहाँ पे इनिशियल वाला रख दिया, इनिशियल फाइनल कुछ नहीं होता, यहाँ पर आप फाइनल वाला डिस्टेंस है, यहाँ पे इनिशियल वाला डिस्टेंस को रखना था, सॉल्व करना था. ठीक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल, ऐसे सवाल आ सकते हैं, सिंपल है, ठीक कोई बड़ी बात नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी है ना. फिर जाओ कहाँ, इसमें इसमें क्या करा, ये पहले सिस्टम था, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो तो वही रहेगा, अपन को एक अलग से चार्ज लेके आता भाई, तो अलग से रखोगे तो वो फिर से सिस्टम वही आएगा, अभी भी सिस्टम वही था, सब इनकी चार्ज निकाल लो, एक सिस्टम निकालो आर्जेंटी कर लो, अब एक ही क्या होगी, क्यों यार इसको के क्यू वन क्यू टू यार, उसको आर्ट से कर देंगे इंटू, ठीक है इस पॉइंट का, इस पॉइंट पोटेंशियल सेम था, तो यहाँ से यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ यहाँ लाओ यहाँ लाओ कहीं भी लाओ, वर्क सेम ही करना पड़ेगा और ज़्यादा होगा, इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो कब होता जब यहाँ भी पोटेंशियल वही होता जहाँ होता, ठीक पोटेंशियल सेम होना चाहिए, अब तो वैसे फील तो आ गया कि पोटेंशियल सेम होना चाहिए वर्क की करने के लिए, ठीक है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ो, इसका क्या बोलना है, अच्छा अच्छा इसमें क्या, ओ भाई साहब चार्ज फायर्ड टू बर्ड, अच्छा अच्छा हाँ ऐसा फायर्ड बोला है, अब इसमें इसमें यानी कि किसी में नहीं लगेगा, लगेगा वही सीमा में, क्यों नहीं लगेगा, फायर्ड किया यहाँ से लेके यहाँ तक फायर्ड किया, तो कैल कर दिया ना फायर, अब थोड़ी कोई वर्क हो रहा है, मतलब पहले एक बार फायर कर दिया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स ही लगेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलता ऑब्जेक्ट तो फोर्स नहीं लगता, तो फोर्स तो कोई नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कंजर्वेटिव फील्स ही जो कुछ कर रही है ना, रोकेगी मतलब उसको है ना, तो क्लोज है फिर तक रोकेगी उसको, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसका रोक देगी, ऐसा करना तो अपन सिंपल हाफ एम इसको रोके पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर देना है. ये सवाल वाला फिक्स है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ वैरायटी इतनी है नहीं है, ठीक सिंपल आपको एक ही चीज़ हर बार करने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस, और कुछ न्यूट्रॉन तो कुछ ही नहीं, न्यूट्रॉन कुछ नहीं होगा. ठीक फिर जाओ यहाँ पर, तो वही करना था, हाफ एम बी स्क्वायर को के क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद और कर देना. फिर क्या बोला, अच्छा इसमें एक और बात है, इसमें तो डिस्टेंस पूछी था, तो आर को प्रोपोर्शन कर देंगे अपन किसके, वी स्क्वायर के, तो वी वेलोसिटी डबल कर दी थी, कहाँ गया वेलोसिटी डबल करिए, ये करिए, तो वेलोसिटी डबल है तो स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा आर, खत्म खत्म मतलब नहीं, सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टार मार आए नहीं थे सवाल मुझे पहली बार, ठीक कोई बात नहीं आ जाएंगे बाद में सब कुछ कर लेंगे. अब जाओ इसमें क्या बोला, ये तो अच्छा ये पी एम टी बहुत सिंपल सवाल है, इसमें क्या बोला कि भाई सिंपल सा बोला कि ये चार कन्फ्यूजन दिए हैं अपन को है ना, ये चार कन्फ्यूजन दिए, अरे इस तो अब इसमें पूछा था सर ने देखते से मार्शल टिक लगा रहा था, ये गलत था ये सवाल का आंसर, आंसर ही आया उनका आंसर बाद में, तो टिक देख के टिक लगाना वही तो बात है सर, जिससे गलती हो जाती है, कल भी ये सवाल आज भी दिया था सबसे शुरू में उसमें गलती हो गई थी, तो काफ़ी बारीकी से करना पड़ेगा. फिर इसमें क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना, सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखकर जीरो को बराबर करनी थी है ना, तो टर्म कैंसिल होता कैंसिल कर देते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाता, वैसे भी दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू, दोनों माइनस क्यू और यहाँ पे दोनों प्लस के क्यू है, तो दोनों को बराबर होना पड़ता, अपोजिट साइन में बराबर होना पड़ता तभी काम बनता, कि इसको अगर मैं माइनस क्यू रख दूँ
इसको प्लस क्यू रख दो, प्लस क्यू, तभी ये एक क्यू और यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे। छोड़ो अभी पंचायत मत करो। और देखते हैं ओ भाई साहब, इसमें ये मैंने देखा सॉल्व करता था, गलत आंसर आ रहा था, प्लस आंसर आ रहा था पहले से, ये वाला प्लस में ऑप्शन नहीं था, ये टिक लगाना पड़ा, लेकिन अब मैं समझ में आ गया। सुमो चार्ज यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाना था, मैं सोच रहा था यहाँ से यहाँ लाना, ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं। ये और ये बोल रहे थे कि यहाँ ये सेंटर में है, ये सेंटर में लग नहीं रहा था, लेकिन ये है सेंटर में, तो 12 और ये एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो सिंपल सी बात है, अगर दूर ले जाओगे तो चार्ज से, चार्ज से दूर ले जाओगे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, घटेगी, जो काम अपने आप होना चाहिए उसमें हो रहा है वो काम, तो घटेगी पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही ठीक है, हो गया। चलो काफ़ी बड़ी PDF है अभी, यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे तो बट करना नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल सेम है, ये तो ऐसे सवाल आया पेपर में, ऐसा आया, ये ऐसा आया था, ऐसा ये सवाल आए, यहाँ खाई थोड़ी चेंज हो गई, मैंने जल्दी बताया, सबको जल्दी बताना पड़ेगा, 10 मिनट में मतलब इस तरीके 2 घंटे बताए, ठीक है। मैंने जो मेटलिक स्फीयर है अपने पास, मान लो क्या बोला, मेटलिक स्फीयर अपने पास, इसमें बोला है टच कर दिया और हटा दिए, पहले उनको छुआ और फिर हटा दिया, भाई साहब पहले छुए क्यों था, अगर हटाना था तो कोई बात नहीं, हटा दिया पहले छुके, फिर क्या करा, ये Q1 Q2 और R1 नया चार्ज आ जाएगा, सिंपल, वो पहले कई बार सर्वा हज़ार हज़ार बता चुके कि कितना चार्ज आएगा नया, वही आएगा Q1 / Q2 बराबर रेडियस के रेशियो में आएगा R1 / R2 खत्म। अच्छा तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, जो भी है इसमें पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जो छुएंगे तो पोटेंशियल सेम हो ही जाएगा। सेल्फ एनर्जी की बात करें तो सर ने अभी ऐसे समझा दी, बाद में समझाएंगे, अब समझाइए इसी लेक्चर में, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा वाई एप्सिलॉन होती है, ये भी याद करने वाली बात है ना, समझा दिया सर ने, बोला है जब बहुत छोटा चींटी बन के उसको जूम करते जाएंगे करते जाएंगे, इसको जूम कर लेते, जब जूम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फाइनली एक सीटी बन जाएगी, एक सीट बनेगी, इसका हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन निकल के आएगा, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन निकल के आएगा, तो वही सेम निकलता है। इसके बाद क्या बोला इन्हें, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन, दूसरा इन्हें, अच्छा ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन और ये सर्फेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल, इस पर बहुत सारे सवाल करवा दिए सर ने, तो वो देख लेंगे अपने, सॉल्व भी नहीं करना उनको तो, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी है। तो इन शॉर्ट क्या निकला, ये चार्ज का रेशियो है Q1 / Q2 R1 / R2, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है E1 / E2 वो R2 / R1 होगा, और वही सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो होगा E1 / σ1 / σ2, इसी सिंपल से ये वाला बन जाएगा। सॉरी 15 मिनट हो गया, क्या करें कुछ नहीं हो सकता, है ना, अगले बढ़ो ये जाता है। अब हो गया, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पेज बचे हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा, अभी देखेंगे। इन्हें क्या बोला, कमेंट तो करना ही ना भाई सर, इसमें क्या बोला इसने कुछ नहीं, हाँ यहाँ पर सर ने क्या बताया था, सरफेस एनर्जी कितनी होगी, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा भैया, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सरफेस ये प्रूव करा था कि हाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, कोई बात नहीं आगे बढ़ो, उसमें पंचायत नहीं करनी, ठीक है। इसमें क्या है, अरे ये तो σ/σ1 / σ2 पर सवाल है, वो तो देखे ना, अब वो भी जाएंगे पढ़ के, हो जाते हैं आराम से, ठीक, कोई बड़ी पंचायत नहीं थी, ये भी उसी पर था, हो जाएगा ये भी। अरे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, शिट। इसमें क्या बोला, सिग्मा ये भी सिग्मा और क्यू है, ये भी सिग्मा और क्यू है, है ना, इसका आर है और उसका R2R है, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है ना, थोड़ा अच्छा सवाल है लेकिन दिक्कत, हम भाव में आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। इसका ये भी वही है σ1 / σ2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे रिविजन करना है, ठीक। इसके बाद इसमें भी वही था, इसमें क्या था देख के बता रहा हूँ, नहीं थोड़ा सॉल्व करें, अरे ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, चार्ज दिए हैं, अच्छा कनेक्ट करें तो फाइनल चार्ज पूछा, ये तो भाई 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 ऐसे कर जाए, Q1 / Q2 रेडियस फ्रैक्शन, मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, रेडियस फ्रैक्शन ऑफ टोटल चार्ज, खत्म, रेडियस फ्रैक्शन देखे ना, मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से काम खत्म, आगे बढ़ो। ये क्या है, अच्छा अच्छा ये तो बस सिंपल, यहाँ पे चार्ज रखा है उसका, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, हर कुछ करा है ना, जो सर के मन में आया सब बेइज्जती का, जब पढ़ाई को बदतमीजी करनी पड़ेगी, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज, इसको पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो,
सेंटर मान लिया, इसको इसको भी सेंटर मान लिया, कर दिया। सेंटर से अगर निकालना होगा तो सेंटर पे जो पोटेंशियल था उसको आर से डिवाइड इनटू कर दिया, खत्म। मतलब सरफेस से पूछा सरफेस से कर दिया, सेंटर से पूछा सेंटर से कर दिया, जहाँ से पूछा वहाँ से कर दिया सेंटर। इसका मुझे कन्फ्यूज, मतलब सेंटर से सरफेस तक का और सेंटर से किसी पॉइंट तक का भी कर दिया। हाँ समझ गया, मतलब जो क्यू चार्ज एक बार सरफेस पर रख दिया और एक बार उन्हें सेंटर पर रख दिया इसी में स्फीयर में, तो जो पोटेंशियल होता है उसका चार्ज इनटू कर दिया, काम खत्म। ये क्या है, ये भी बहुत डेंजरस सवाल है। फर्ड एंड मूव क्यू फ्रॉम द सर्फेस टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ द सर्फेस आर एक्स एंड रेडियस द सेंटर ऑफ द दैट द स्फीयर। अच्छा, इसको यहीं से उठा के सेंटर पर रख दिया, इस पर वर्क करना पड़ा। पहले तो पोटेंशियल पूछा, एनर्जी पूछा था, रख ही दिया था एनर्जी पूछा, लेकिन अब लेके जा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा। तो वही फाइनल फाइनल मैच, इनिशियल फाइनल कितना थी क्यू वायर और इनिशियल तो के क्यू वायर है ना, तो चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कर दिया, क्या खत्म। अच्छे क्वेश्चन था वैसे। अच्छा ये क्या बताया था, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, अकेला कोई जरूरत नहीं है पूरे डेरिवेशन की। सेल्फ एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, के क्यू स्क्वायर बाय हाफ, के क्यू स्क्वायर बाय आर, सिंपल हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो ये होना भी चाहिए था ना हाफ, मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा था, पहले तो बहुत कठिन लगता था, फिर सिंपल ना, हाफ एनर्जी टर्म में आता ही है और के क्यू स्क्वायर बाय आर एनर्जी है ही, खुद ही एनर्जी होती है तो ना हाफ आ गया एक्स्ट्रा टर्म, बस खत्म। सेल्फ एनर्जी में हाफ हो गया, वही सेल्फ एनर्जी अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से होगा तो ये एनर्जी का जाएगा 3/5। उसको भी मैं अगर वैसे कन्वर्ट करके देखूंगा तो हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर तो है ही, लेकिन इसमें 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय आर भी जुड़ा है। अब जो भी है ऐसे याद कर लो, 3/5, सिंपल 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। ऊपर नीचे 2/2 कर देंगे अगर अपने इसमें तो कुछ बन जाएगा क्या, हाफ 6/5, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर और 6/5 का टर्म अलग से, और भाई सब इतनी पंचायत नहीं करना, सिंपल 3/5 है। फिर इन्हें क्या बोला, अच्छा इनका क्वेश्चन आया था, रेशो पूछा है स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आउटसाइड द सॉलिड एंड होलो। सॉलिड के और आउटसाइड और होलो के आउटसाइड, आउटसाइड तो सिंपल 1 ही 1 होगा ना, आउटसाइड तो सेंटर चार्ज मानते हैं। अभी खत्म ही नहीं हुआ अभी तो, अच्छा सर ने बता दिया था आखिरकार, ये है निष्कर्ष, इतना सब कुछ बताया उसका निष्कर्ष ये है कि भैया अगर यहाँ पे चार्ज रखा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए यहाँ पर, तो अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी है अपन को, कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, के क्यू वाई आर, के क्यू आर स्क्वायर, और इंड्यूस होगी उसी के अपोजिट उतनी, अंदर बस फील्ड 0 रखनी है, ऐसा कुछ करेगा कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी हो जाए 0 रह जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, खत्म, ये सारे अगले एग्जाम कर पाएंगे। मोटा मोटी मुझे क्या पता पड़ा, दो स्फीयर को जोड़ोगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, एनर्जी अगर वर्क निकालना है अपन को तो क्यू इंटू डेल्टा वी भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स दिया तो देखो वर्क क्यू इंटू डेल्टा वी भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्क में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, नहीं सॉरी पॉजिटिव में, और अगर एक्सटर्नल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर नेगेटिव और चेंज पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा था कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर है ना, वी का फॉर्मूला सिंपल था के क्यू बाय आर, और एफ का फॉर्मूला सिंपल था के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले सिंपल थे है ना, अपन को ये भी पता था। और जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रो वो कैसे बनाता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, ऐसा खत्म है।